be free with from all negativities. Sari nakaratmakta se mukt hokar gaj gaj anand pragat karo, uska purushart karo. तो आपको अष्ट सिद्धि मिलेगी. अष्टविनायक यानी आठ प्रकार की सिद्धि मिलेगी. श्री गजानंद जय जय गणेश मौर्या. हाँ, ये व्हाट्सएप के साथ ये भी गाते रहो. अभी जब भी उदासी आए ना तो ये शुरू हो जाओ. श्री गजानंद जय जय गणेश मौर्या. श्री गजानन जय जय गणेश मूर्या. हाँ, ये धुन चालू कर दो. श्री गजानन 10 मिनट बड़े जोर शोर से गाओ. देखो तुम्हारी जितने शंका भय चिंता घर्षण सब साफ. पावर ये मंत्र है, इसका रटन करो और अपने आप को समर्पित करो. देखो ये खाली पोपट के जैसे मत बोलना. आपके सामने दिस इज द लास्ट मोमेंट फॉर योर एग्जिस्टेंस. आपका अस्तित्व का अंत आने वाला है. बस ऐसे ऐसे लग जाओ, फिर देखो क्या होता है. हाँ, बड़ी धुन की से लग जाओ. 10 मिनट एकदम बड़ी धुन की से अपने आप को पूरा समर्पित करो. और ऐसा जो करता है वो विनायक बनता है. वो नायक और खलनायक नहीं, क्या बनता है? विनायक. विशेष नायक. विनायक यानी विशेष नायक. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर. दुख हरता सुख करता सब आरती बराबर आती है सबको. लेकिन वैसा जीना नहीं है. यहां पर हम ये बात करते हैं. एवरीथिंग ईट ड्रिंक स्लीप एवरीथिंग चित मन बुद्धि भर दो उससे. ये हम यही सीख रहे हैं. योर एनर्जी लेवल्स विल चेंज डायनेमिकली. आपको कोई ऐसा समाचार मिले कि उससे आप एकदम डाउन हो सकते हो समाचार सुनने के बाद. ये टॉनिक दिया आपको, एनर्जाइजिंग टॉनिक. 5 मिनट में आप नमो जिनानम जिय भयानम श्री गजानन जय जय गणेश मौर्या. ये सब ऐसे ऐसे मंत्र है ना, आंदोलन खड़ा कर देगा आपके अंदर. और तुरंत 10 मिनट में ऐसा लगेगा मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला है. आई एम एंजॉइंग, दैट्स इट. जो होना है होने दो, जिसको जो करना है करने दो. आई एम विथ माई सेल्फ एंड गॉड इज विथ मी. गॉड इज विथ दैट पर्सन हु इज विथ हिमसेल्फ और हर सेल्फ. जो बाहर ढूंढता है उसको गॉड कुछ नहीं कर सकता है. समझ में आ रहा है? जो पर के आधार पे है वो कुछ नहीं कर सकता, उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता. तो इसका बेस रूट कहां है? बोलो अपने अंदर ये गुंजारो जगा. और जो आनंद में होते हैं अपने चित मन बुद्धि से, उसका आरोग्य अपने आप सही हो जाता है. कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने आप आरोग्य सही हो जाता है. पूरी इम्यूनिटी सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाती है. जहां आनंद है, गज गज आनंद है, निष्प्रुह आनंद है, आनंद का फ्लो है. आनंद मीन्स व्हाट? एक्सपीरियंस ऑफ एक्सटेसी, एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम. फ्रीडम की थ्रिल है उसके अंदर. एंजॉइंग दैट ecstasy of freedom. और वो उसके शरीर के अंदर रोग नहीं हो सकता, क्योंकि उसके रोमांच खड़े हुए हैं. और जो उसके आसपास आता है वो भी energized हो जाता है. This is the power. हाँ,
और ऐसा पावर जिसके अंदर है उसका आरोग्य कैसे खराब हो सकता है, संभाल ही नहीं। लक्ष्मी उसके चरण छूती है, उसको लक्ष्मी के चरण नहीं छूना है। हाँ, लोग ये गणपति बापा को इतना क्यों मानते हैं? तो कि सबसे पहले विघ्न खत्म होते हैं, फिर दूसरा काम क्या है, धन संपत्ति मिलती है, तीसरा काम क्या है, तो सब अपने बन जाते हैं, चौथा काम क्या है, तो कि आनंद ही आनंद, ये सब कुछ दिला देते हैं, इसलिए लाइन लगती है। लेकिन इंसान को चार में से एक भी मिल गया ना तो बहुत खुश हो जाता है, बस अपना काम हो गया। आपकी मानता फड़ी गई। फिर तू कौन, मैं कौन, फिर अपना रूबाब दिखा दे, देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब नहीं था तब लाइन लगाता था, वो किसी को नहीं बोलेगा, आने के बाद बोलेगा मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, वैसा किया, वो मेन राज की बात नहीं बोलेगा। मैं आ जाता है फिर, मैं गया काम से, डूब गया, खत्म। तो ये मैं ना आए उस तो ही ये आनंद का फ्लो कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा। जैसा मैं आया ना, मैं वो फ्लो को रोक देता है। श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मौर्या, श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मौर्या। This is the flow we should continue and continuously. Arogya, dhan sampatti, sharir ka arogya, man ka arogya, parivar ka arogya. Very important, parivar ka arogya. Aur sabse mitra bhav, sabse friendship, apne aap खड़ी होती है। ये है इस मंत्र का सार।